और हमास के हमले में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त का ताजा अपडेट, बड़ी खबर, 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बड़ी खबर यह है कि हमास के हमले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहले यह आंकड़ा 100 था और अब 150 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, ये खबर मिल रही है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि हमले अभी रुके नहीं हैं, आतंकवादी अभी बाहर खदेड़े नहीं गए, इसराइल के अंदर ही दाखिल हैं। और जिस तरह से कैपेसिटी है हमास की, हमास एक बड़ा ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसके पास अपने 25,000 के आसपास लड़ाके हैं। 25,000 आतंकवादियों का एक बड़ा संगठन है हमास, और ये पूरी प्लानिंग के साथ फेंसिंग को तोड़ते हुए, जो पूरा बॉर्डर है उसको ध्वस्त करते हुए आगे बढ़े हैं और अभी भी इसराइल के अंदर है। इसलिए बहुत ही खतरनाक स्थिति इसराइल की हो चुकी है और अब जवाब भी दिया जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर है जब जवाब दिया इसराइल की एयरफोर्स ने, और ये गाजा पट्टी इलाके में जो विस्फोट हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि एक एक करके पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया इसराइल की एयरफोर्स ने। ताकत है एयरफोर्स इसराइल की, लेकिन अभी जो मुख्य चुनौती है वो है रॉकेट हमलों से पार पाना। मुख्य चुनौती है जो आतंकवादी दाखिल हो गए हैं हथियारों के साथ, उन्होंने बंधक जिन लोगों को बनाया है उनको छुड़ाना और उस पूरे इलाके को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त करना। लेकिन उससे पहले ये हम आपको तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं कि गाजा पट्टी के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि वहां पर अब इसराइल ने मोर्चा लेते हुए और एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं।